माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 131 के तहत जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में किसानों के कृषि बीमा एवं बैंक में हुई अन्य वित्तीय अनियमितता के तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले 18 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा पात्रता अनुसार अनिवार्य है। इस बीमा हेतु ऋण लेने वाले किसानों के प्रीमियम की कटौती CBS पोर्टल पर शीर्ष बैंक द्वारा निर्धारित दर पर स्वचालित रूप से की जाती है तथा नियमानुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं पात्र होने पर बीमा कंपनी द्वारा बीमित किया जाता है। दस्तावेज के अधूरे अभाव होने पर बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम लौटा दिया जाता है। वर्ष 23-24 में इस प्रक्रिया अनुसार कृषकों का ऋण वितरण के समय प्रीमियम ऋण खाते से स्वतः डेबिट हुआ है, जिसे बैंक द्वारा नियमानुसार बीमा कंपनी को भिजवा दिया गया है था। कृषकों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य का स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत न करने के कारण बीमा कंपनी द्वारा जिन कृषकों का प्रीमियम वापस बैंक में लौटाया गया उसे संबंधित कृषक के खाते में जमा करा दिया गया है, अतः बैंक द्वारा अपने पास कोई प्रीमियम नहीं रखा गया है। बैंक द्वारा अन्य बैंकों में किए जाने वाले समस्त निवेश संचालक मंडल द्वारा अंगीकार की गई निवेश नीति के अनुरूप प्रबंध निदेशक के अनुमोदन उपरांत ही किए जाते हैं। समस्त निवेशकों को त्रैमासिक आधार पर संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त निवेशों की समीक्षा एवं पुष्टि विभिन्न बैठकों में की गई है। समस्त निवेशों की त्रैमासिक आधार पर बैंकों के ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। बैंक द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में नियंत्रक संस्थाओं क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व डी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है एवं नियंत्रक संस्थाओं के निरीक्षण में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। शीर्ष बैंक जयपुर द्वारा DBT NPCI का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधा बैंक के ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित किया जाता है। बैंक द्वारा इनकम टैक्स के रिटर्न सदैव समय पर भरे जाते हैं एवं समय पर रिटर्न नहीं भरने के कारण बैंक से किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं भरी गई है। बैंक के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के बीच ब्रांच मिलान आज दिन तक पूर्ण है। बैंक में नियमित रूप से रिकंसिलेशन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, अतः मिलन का अभाव है तथा तथ्य का कोई आधार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसान ऋण लेता है तो साथ में प्रीमियम कटता है और प्रीमियम कटता है उस समय में किसान का हस्ताक्षर करवाया जाता है। अब किसान वहाँ पर गया तो वो स्वस्थ है तब करवा गया है, तो बैंक कर्मी द्वारा जानबूझ करके मिल करके बीमा कंपनी के साथ में उन्होंने किसान का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के ऊपर हस्ताक्षर नहीं कराए। अगर वो अस्वस्थ होता तो वो आयुष्मान कार्ड लेकर के हॉस्पिटल जाता, क्यों वहाँ पर बैंक के अंदर पैसे लेने के लिए आता? तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिन बैंक कर्मियों के द्वारा ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न लेकर के अधूरे कागजात बीमा कंपनी में जमा कराए हैं उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये रेस्पॉन्स पूरे राजस्थान में ये स्थिति यही होता है, फिर जोधपुर बैंक में ही ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बीमा प्रीमियम के साथ में क्यों नहीं लिया? ये किसकी जिम्मेवारी थी? नंबर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को द्वारा अधिकारियों ने गलत सूचना देकर के जवाब दिलवाया है। प्रधान कार्यालय में बैंकिंग का मिलान पूरा नहीं है, मैं ये दावे के साथ में कहता हूँ, इसकी जांच करा दीजिए। एक बात, निजी बैंकों में जमा करने के बाद आप कह रहे हैं
कि संचालक मंडल से पुष्टि करवाई गई है निजी बैंकों में पैसा जमा करना। आप राष्ट्रीयकृत में बैंकों में नहीं करवा रहे हैं, निजी बैंकों में कर रहे हैं, क्या कारण है? और निजी बैंकों में जमा करने के बाद में महीनों बाद में संचालक मंडल से जनरल मैनेजर स्वीकृति लेता है, इसका क्या 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 आशय है कि बाद में लेता है और पहले जमा कराता है? ये डेट देख ली जाए कि जमा कब करवाए हैं और स्वीकृति कब मिली है। अच्छे स्वास्थ्य पत्र प्रस्तुत करने का कारण बीमा कंपनी ने प्रीमियम वापस लौटा, प्रीमियम के पास लंबे समय तक उनके पास में रहा है। इस कारण से मेरे 17 किसानों को मृत्यु उपरांत उनको नहीं मिला। और ऐसे ही अनेक सिर्फ 5 गाँवों के बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जरूरी है प्रीमियम कटना तो खारा के निवासी भगवाना राम पुत्र जोरा राम, चोखा राम पुत्र पन्ना राम, तुलछा राम पुत्र सोरा राम, इन तीनों ने ऋण लिया अल्पकालीन और इनका प्रीमियम नहीं काटा गया। तो कौन जिम्मेवार है इसका प्रीमियम नहीं काटने का? ऋण के साथ में ही प्रीमियम कटता है, एक बात। नंबर दो, 13 मौतें, लोलडिया में 4 दुर्घटना से मृत्यु हुई है, रड़काबेरा में 4 साधारण मृत्यु हुई है, जांबा में 3 साधारण मृत्यु हुई है और सांवरीज में 3 साधारण मृत्यु हुई है। उनके बीमा क्लेम के लिए भी भेजा गया है, परंतु यही कारण होगा कि वो ये कहेंगे कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं जमाई। ऐसे हजारों ये कंपनी के साथ में मिल करके या वहाँ का जनरल मैनेजर किसानों के साथ में धोखा करता है और किसान के बेचारे के ये इस प्रकार के नहीं। ये 17 किसान तो मैंने आपको बनाए, हजारों किसान होंगे और इसी तरह से इन लोगों ने उनका बीमा नहीं किया, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दी जमा रहे। क्या माननीय मंत्री जी आप उस जनरल मैनेजर को जो हटा करके वहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में अकाउंट्स ऑफिसर की टीम बिठा करके इस पूरी गड़बड़ी की जांच करवाएंगे? अगर करवाएंगे तो कितने समय में करवाएंगे, ये आप बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बीमे की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत 75,000 से अधिक कोई अगर व्यक्ति ऋण लेता है तो बीमा कंपनी को उसको निष्पादित शर्तों के अनुसार उसको एक अच्छे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र उसको देना होता है। ऐसा लगभग 2700 किसानों का, लगभग 1,19,000 किसानों को वहाँ लोन दिया गया था। 2705 कृषकों द्वारा अच्छे बीमा अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम लौटाई गई थी और लौटा करके सीधे उनके खातों में वापस पुनः उनके जमा भी हो गई। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई कमी रही है, तो निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने बताया है इसकी एक कमेटी बना करके उसकी जांच करके और निश्चित रूप से जो कार्रवाई करने के लिए बात आप कर रहे हैं उसकी कार्रवाई करके जो भी दोषी होगा उस पर आवश्यक कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। श्री बाबू सिंह राठौर।